डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ना। जैसा कि जानते हैं हम आपको, पिछले क्लास में मानव नेत्र के बारे में पढ़ाना शुरू किए थे। तो मानव नेत्र में जो हम लोग दो पॉइंट्स को पढ़े थे, एक पॉइंट्स था आपका कॉर्निया, कि कॉर्निया किसे कहते हैं। सबसे पहले तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मानव नेत्र का फिगर ड्रॉ कर लेना चाहिए। मानव नेत्र का फिगर बनाने के बाद आपको दो पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किए था, एक था कॉर्निया और दूसरा था कोरोइड। कॉर्निया के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि कॉर्निया जो होता है, मानव नेत्र के जो बीच वाला काला भाग होता है, वही कॉर्निया होता है। उसी से प्रकाश जो है अंदर जाता है, यानी कि पारदर्शी एक झिल्ली होती है कॉर्निया। और कोरोइड किसको कहते हैं, तो कोरोइड होता है जो हमारा पुतली रहता है, तो नीचे वाला पुतली को आप नीचे खींचते हैं, फैलाते हैं, तो एक लाल भूरा कलर का झिल्ली दिखाई देता है, उसी को हम लोग कोरोइड कहते हैं। चलिए आगे के पॉइंट्स में बात कर लेते हैं। तो छोटा छोटा पॉइंट्स है, ये सब नेत्र के भाग कहलाते हैं। तो अब की बार हम लोग सीखेंगे आयरिस के बारे में। तो आयरिस छोटा पॉइंट है, ये सब आयरिस को छोटा पॉइंट बनाएंगे। आयरिस उसके नीचे, उसके सामने एरो देंगे। आयरिस के बारे में लिखा जाए, आयरिस के बारे में, आयरिस की सहायता से आँख के लेंस से होकर जाने वाला प्रकाश का परिमाण घटाया या बढ़ाया जा सकता है चलिए तो आयरिस क्या है, जैसे मान लिया कि हम अपना जो पलक है आँख का, तो देखते हैं ना, जैसे मान लिया कि ज़्यादा अगर लाइट आया तो हम अपना आँख को क्या कर लेते हैं, पूरा एकदम फट से बंद कर लेते हैं, है ना। और वही नहीं, जब आप कभी अंधेरे में गए होंगे, अंधेरा रूम में, तो वहाँ आपको एकदम आँख के जो क्या बोलते हैं उसको, पुतली है, वो स्वतः उसको फैला कर देखते हैं एकदम ध्यान से कि कहीं कुछ दिखे, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन आपने प्रयास तो किया, अंधेरे रूम में भी कोई भी व्यक्ति है, देखिए हम जाएंगे अंधेरे रूम में या फिर आप जाइएगा अंधेरे रूम में, कोई भी व्यक्ति चाहता है कि कुछ ना कुछ दिखे, इसके लिए अंधेरा में जैसे ही जाता है तो पुतली का, आँख का जो पुतली है, उस स्वतः ही साइज फैल जाता है, जबकि वह जैसे ही प्रकाश में पहुँचता है तो उसका पुतली सिकुड़ जाता है, क्योंकि प्रकाश आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो उसको देखने में किसी वस्तु को कोई दिक्कत नहीं होता है। तो कुल मिलाकर आप आयरिस के बारे में समझिए कि आयरिस ही काम करता है किसी भी नेत्र लेंस से जाने वाले प्रकाश का परिमाण को बढ़ाता है या घटाता है, यानी कि ये काम करता है कौन, आयरिस। और उसके नीचे आयरिस के बारे में ही है। अभी नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, लिखा जाए अंधेरे में पुतली स्वतः फैल जाती है, जबकि अंधेरे में पुतली स्वतः फैल जाती है जबकि उजाले में पुतली सिकुड़ जाती है। हाँ, तो आप याद रखिएगा कि अंधेरे में जैसे ही कोई व्यक्ति जाता है, उसका पुतली बड़ा हो जाता है, उसका फैल जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रयास करता है कि हमें कुछ ना कुछ दिखाई दे, इसलिए ध्यानपूर्वक देखता है, लेकिन कुछ नहीं दिखता है। और वही अगर व्यक्ति जब उजाले में जाता है, प्रकाश में जाता है, तो उसको ध्यान से देखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वहाँ पर प्रकाश है, इसकी वजह से उसको देखने में कोई दिक्कत नहीं हुई, यानी कि वहाँ अपने साइज को क्या कर लिया, सिकुड़ लिया, पतला कर लिया। तो ये था आयरिस के बारे में। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट्स अब बनाएंगे हम लोग नेत्र लेंस के बारे में, कि नेत्र लेंस किसको कहते हैं। याद रखिएगा, हमारे जो नेत्र हैं उसमें एक लेंस का व्यवहार होता है जिसको उत्तल लेंस कहते हैं। यानी कि ये सवाल अक्सर आता है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस उपस्थित होता है, उत्तल लेंस। अब ये उत्तल लेंस कोई शीशा या कांच का नहीं बना होता है, यह एक गॉड गिफ्टेड है,
ये भगवान का देन है। जो उत्तल लेंस हमारे आँख में होता है वह एक जिलेटिन का बना हुआ रहता है, एक जेल का बना हुआ रहता है, ठीक है। जैसे बाल वगैरह में जेल उल लगाते हैं ना हम लोग, ताकि बाल जो है एकदम सीधा रहे, हवा हुआ से उड़े उड़े नहीं, उसी तरीके से जेल एक गढ़ा बिलियन होता है, उसी तरह से हमारा जो प्राकृतिक लेंस है उसी से बना हुआ होता है। तो कभी आप डाउट नहीं कीजिएगा कि मानव का जो उत्तल लेंस है वो वाला हटा के हम कुछ और नया लगा सकते हैं, तो कभी नहीं, ठीक है, वो कभी नहीं होता है, क्योंकि हमारे मानव नेत्र में जो लेंस उत्तल लेंस होते हैं वो जिलेटिन का बना होता है, ये प्राकृतिक होते हैं, गॉड के द्वारा दिए गए हैं, भगवान के द्वारा दिया गया है, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेत्र लेंस के सामने एरोदेकर लिखेंगे, पुतली के नीचे, पुतली के नीचे जिलेटिन जैसे पारदर्शक तथा जिलेटिन जैसे पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है, मुलायम पदार्थ का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, होता है ये हो गया ना, कॉमा करके लिखिएगा, वह नेत्र लेंस कहलाता है, वह नेत्र लेंस कहलाता है, जी हाँ। तो नेत्र लेंस किसको कहते हैं, तो यह पुतली के नीचे, पुतली का मतलब ऊपर वाला, जिसको हम लोग सोते टाइम वो ढक जाता है, जब हम देखते हैं तो पुतली खुलता है, पुतली का झपकना है ना, तो पुतली के जस्ट नीचे ही एक लेंस, यानी कि जो कॉर्निया हुआ ना, कॉर्निया के जस्ट, कॉर्निया के पास ही लगा हुआ होता है, ठीक है। तो एक पारदर्शक माध्यम जिलेटिन का बना हुआ एक प्राकृतिक पदार्थ होता है, जिसको हम लोग उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं, और वह नेत्र लेंस कहलाता है, ठीक है। चलिए अब नेत्र लेंस को कौन टांगे हुए रहता है, तो इसी में लिखा जाए, नेक्स्ट एरो देकर लिखा जाए, सिलियरी मांसपेशियां नेत्र लेंस को लटकाए हुए रहते हैं, सिलियरी मांसपेशियां नेत्र लेंस को लटकाए हुए रहते हैं। देख पा रहे हैं आप, ये जो फिगर है, इस फिगर में आप इसको लेंस, नेत्र लेंस कहेंगे, और इसको जो लटकाने का काम किया है ये, इसको हम लोग कहेंगे सिलियरी मांसपेशियां, ठीक है। इसका काम है लेंस को टांगे हुए रहना, लेंस को लटकाए हुए रहना, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लेंस यही वाला लेंस है जो कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है, ठीक है, उसके ऊपर पुतली होता है, यही उत्तल लेंस होता है, क्योंकि उत्तल लेंस ऐसे ही ना बनता है, और इसका फिगर भी वैसा ही है। तो कुल मिलाकर ये याद रखिएगा, हमारे नेत्र में या मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, और उत्तल लेंस को कौन लटकाए हुए रहती है, सिलियरी मांसपेशिया, ये लटकाए हुए होती है। तो इस तरीके से नेत्र लेंस के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, रेटिना के बारे में। तो अब लिखा जाए रेटिना, उसके नीचे, उसके सामने एरो देंगे, रेटिना में लिखा जाए, रेटिना का एरो, रेटिना में दंड और शंकु की बारीक रचना का जाल होता है, रेटिना में
दंड और शंकु। दंड, दंड का मतलब रॉड, छोटा छोटा पतला एकदम जाल होता है दंड। कैसे होता है दंड? ऐसे ऐसे रॉड जिसको कहते हैं दंड। तथा शंकु की बारीक रचना का जाल होता है, इसे आंख का पर्दा भी कहते हैं। इसे आंख का पर्दा भी कहते हैं या रेटिना कहते हैं, या रेटिना कहते हैं। ठीक है, तो रेटिना किसको कहते हैं? तो रेटिना हम आपको बता देना चाहते हैं कि रेटिना ये मानव नेत्र के पीछे वाला भाग को कहते हैं, और यहीं तक रॉड यानी कि एक छोटा छोटा एकदम जाल होता है, यही रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब भी बनता है। ये हमेशा रेटिना आँख के अपोजिट साइड में होता है, आँख के बिल्कुल पीछे होता है रेटिना। ठीक है, तो आँख का जो फिगर हम लोग बनाएंगे तो रेटिना कहाँ होता है? पीछे। और इसमें जो जाल बना होता रहता है दंड का और शंक्वाकार जाल बने हुए होते हैं रेटिना में। ठीक है, तो ये रेटिना में हम लोग क्या लिखे अभी कि रेटिना में दंड और शंकु की बारीक रचना का जाल होता है, इसे इसलिए इसे आँख का पर्दा भी कहते हैं या रेटिना भी कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद उसके नीचे एरो देंगे, फिर रेटिना के नीचे लिखेंगे रेटिना के भीतरी सतह पर एक एक गोल पीला धब्बा होता है, एक गोल पीला धब्बा होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं, जिसे पीत बिंदु कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पीत बिंदु आप याद रख लीजिएगा, डायग्राम में इसको नहीं दिखाया जाता है क्योंकि इसका कलर होता है। और आप याद रखिएगा कि ये जो रेटिना है उसके सतह पर, भीतरी सतह पर, उसके अंदर एक गोल कलर, गोल यानी बहुत छोटा ही गोल एक पीला धब्बा पाया जाता है येलो कलर का, इसलिए इसको कहते हैं पीत बिंदु। पीत बिंदु को इंग्लिश में कहते हैं येलो स्पॉट, येलो स्पॉट, येलो मतलब पीला, तो पीत बिंदु का मतलब होता है पीला बिंदु भी उसको कहते हैं, या पीत बिंदु भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि रेटिना के भीतरी सतह में एक गोल छोटा आकार का एक पीला बिंदु पाया जाता है। ठीक है, पीला धब्बा पाया जाता है, उसी को हम लोग पीत बिंदु कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एरो में लेंगे मानव नेत्र के रेटिना पर ही, मानव नेत्र के रेटिना पर ही किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हम लोग मानव नेत्र के सबसे जो इम्पोर्टेंट भाग थे उसको पढ़े। हालांकि आप देख पा रहे होंगे कि नेत्र में कचाब द्रव भी रहता है, यानी कि नेत्र के जो खाली जगह होता है ना, एक द्रव भरा हुआ रहता है, यानी कि कचाब द्रव उसको कहते हैं। यानी कि वाला जो खाली भाग है, इधर वाला जो खाली भाग है थोड़ा सा, तो इस भाग में एक द्रव भरे रहते हैं जिसको हम लोग कचाब द्रव भी कहते हैं। अब वो कचाब द्रव के बारे में लिख ही लीजिए थोड़ा सा छोटा पॉइंट से कि आखिर क्या होते हैं, आखिर क्यों भरा हुआ होता है। ठीक है, तो अब लिखा जाए टॉपिक्स, छोटा टॉपिक्स कचाब द्रव। कचाव द्रव ये नेत्र में उपस्थित होते हैं द्रव, लिखा जाए नेत्र लेंस। नेत्र लेंस आंख के गोले को, आंख के गोले को दो कोष्ठों में बांटती है, आंख के गोलों को दो कोष्ठों, कोष्ठों कैसे लिखेंगे? ऐसे दो कोष्ठों में बांटती है। ठीक है, पहला लिखेंगे
पहला का नाम है अग्रकोष्ठ, अग्रकोष्ठ, और दूसरा का नाम है पिछला कोष्ठ, पिछला कोष्ठ। तो देखिएगा, आँख जो है, हमारा जो आँख है, मानव नेत्र जो है, उसको जो नेत्र लेंस है या आँख का गोला जो है, वो कितने भाग में बंटा है? दो भाग में। एक को बोलते हैं अग्रकोष्ठ यानी आगे का भाग, एक होता है पिछला कोष्ठ यानी कि पिछला भाग। ठीक है, तो अब आप जानिए कि कचाब द्रव जो भरा रहता है वो पिछला द्रव में, पिछला भाग में भरा रहता है, और मानव नेत्र के अग्रकोष्ठ में नेत्र रस भरा रहता है। ठीक है, यानी कि आगे वाला में नेत्र रस भरा रहता है और पीछे वाला में कचाब द्रव भरा रहता है। ठीक है, और नेत्र द्रव को, नेत्र रस को कहते हैं एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, और कचाब द्रव को हम लोग कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। ध्यान दीजिएगा, तो पिछला केस्ट में हम लोग कचाब द्रव भरा रहता है, उसको इंग्लिश में विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। अग्रकोष्ठ में नेत्र रस भरा रहता है, इसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। तो लिखा जाए इस बात को भी, अग्रकोष्ठ में नेत्र रस भरे होते हैं जबकि पिछले कोष्ठ में कचाब द्रव भरा रहता है, पिछले कोष्ठ में कचाव द्रव भरा हुआ रहता है। तो इस तरीके से मानव नेत्र के जो भाग हम लोग पढ़ रहे थे वो पूरा भाग हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों का एक इम्पोर्टेंट चीज बच रहा है कि मानव नेत्र का समंजन क्षमता क्या है। जब समंजन क्षमता पढ़ जाएंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मानव नेत्र में दोष क्या क्या होते हैं, और दोष भी दो तीन तरह के हैं, अब उनको दूर कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सब आप जरा दृष्टि दोष ये सब पढ़े हुए हैं। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आप वेट कर लीजिए, सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं लीजिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हम लोग मानव नेत्र के जो भाग थे, आयरिस, नेत्र लेंस, रेटिना, कचाब द्रव, इसके पिछले बात किया जाए तो कॉर्निया, उसके बाद बात किया जाए तो कोरोइड के बारे में हम लोगों ने मानव नेत्र के बारे में पूरे तरीके से पढ़ा। अगले क्लास में हम नेत्र का समंजन क्षमता पढ़ेंगे। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।